इस धरती पे ग्रेवियार्ड की शक्तियों का खतरा खत्म हो चुका है और मेरे जाने का भी वक्त आ चुका है। इस धरती को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम सब की है। तुम सभी अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना। चलो मनोहर, अब जाने का वक्त आ चुका है। जो हो गया उसे भूल के जिंदगी को आगे बढ़ाओ। हाँ मनोहर, रेड कोबरा ठीक कह रहा है। जो हो गया उसे भूल जाइए। विजार्ड, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे भूल जाओ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कभी नहीं मनोहर। तो फिर मैं दीपिका को कैसे भूल जाऊँ? प्लीज तुम सभी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मनोहर, तुम्हारी इस मुश्किल की घड़ी में हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। गौतम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहा ना गौतम, जा यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। गौतम, विजार्ड, ब्लू कोबरा, थोड़ा साइड आओ, मुझे तुम सभी से कुछ बात करनी है। मनोहर को दीपिका के खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा है और मनोहर इस सदमे से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर वो बोल रहा है उसे अकेला छोड़ दो, तो हमें कुछ पल के लिए मनोहर को अकेला छोड़ देना चाहिए। मगर रेड कोबरा, हम मनोहर को यूं अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं विजार्ड। मनोहर, तुम्हें जितना समय लेना है लो, मगर हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। दीपिका, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? तुम्हारे बिना इन शक्तियों का कोई मतलब नहीं, सब बेकार है मेरे लिए। पिछले बार टाइटन को मैंने हराया, इसलिए ग्रेवियार्ड की शक्तियों को पता था कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और मुझसे बदला लेने के लिए ग्रेवियार्ड की शक्तियों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। दीपिका, सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद मैं तुम्हें नहीं बचा सका। दीपिका, इसलिए नहीं चाहिए मुझे ऐसी शक्तियाँ जिसने मुझसे मेरे प्यार को ही छीन लिया। जब जब मुझे शक्तियाँ मिली तब तब मैंने अपनों को खोया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिम्मेदारी जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनों को खोना पड़े। मुझे अब इन सब शक्तियों की दुनिया से दूर जाना है। गौतम ने ग्रेवियार्ड की शक्तियों को तो खत्म कर दिया, मगर स्टारसी को नहीं। स्टारसी का शरीर अभी भी पर्गेटरी में बेहोश पड़ा है। गौतम, आज भी मैं तुमसे अपने पिता का बदला नहीं ले पाया, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं अपने पिता का बदला पूरा करूँगा। आज भले ही ना सही, मगर पापा, एक दिन आपको मुझ पे गर्व होगा। मुझसे मेरी शक्तियाँ छिन गई तो क्या हुआ, बुद्धि अभी भी बाकी है। मैं तुम सभी के खिलाफ ऐसा जाल बुनूंगा जिससे तुम सभी कभी नहीं निकल पाओगे। मनोहर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे आपसे बिछड़ने के बाद इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस नर्क में मैं तिल तिल मर रही हूँ और यहाँ कोई रहम करने वाला नहीं। ये नर्क बहुत बेरहम है मनोहर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश उस दिन जो ग्रेवियार्ड पे हुआ वो कभी नहीं होता। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है मनोहर। हमारे सभी अच्छाई के रक्षकों ने मिलके ग्रेवियार्ड की शक्तियों को खत्म कर दिया, मगर इसके बदले उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जीत तो मिल गई, मगर हमें दीपिका को खोना पड़ा। धरती पे जितनी बार मुश्किलें आई, मनोहर ने उस पर जीत हासिल किया, लेकिन हर बार उसे अपनों को खोना पड़ा। पहले अपने माता पिता को और अब दीपिका को। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। जिस तरह वॉरक्लैशर मरने के बाद वापस से धरती पे आ गया, वैसे ही दीपिका भी मरने के बाद धरती पे वापस आ सकती है। लेकिन मनोहर इस बात से अनजान है। अगर मनोहर को पता चल जाए कि वो उस नर्क में जाके दीपिका को वापस से जीवित कर सकता है, तो
उसके मन में एक बार के लिए ये बात जरूर आएगी कि मैंने उससे झूठ कहा कि दीपिका हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। आने वाले नए अध्याय जिसका नाम सफर होने वाला है, इस सफर में क्या मनोहर अपना विश्वास शिव पे बनाए रख पाएगा? इस नए सफर में मनोहर दीपिका को बचाने की कोशिश में किसी बड़े खतरे को बुलावा ना दे दे। नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसका नाम है सफर, और सफर इसलिए क्योंकि इस मंजिल को पाने में मनोहर का प्यार अधूरा रह गया। तो क्या इस सफर में मनोहर अपने प्यार दीपिका को वापस पा सकेगा, और अपने प्यार को पाने के लिए मनोहर किस हद तक जाएगा? और इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा नई सीरीज सफर में। सो सब्सक्राइब कर लो और थोड़े कमेंट्स में मनोहर की हाइप तो हो जाए।